प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण थे जिनकी कथा हर रोज एक सर्प सुनने आया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। वे बहुत गरीब थे। कभी कभी तो उनको एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज चालाक और लालची प्रवृत्ति की थी। आप रोज रोज अपना टाट कमंडल लेकर बैठ जाते हो, आपको कुछ और नहीं दिखाई देता। इस माला फेरने और भजन करने से पेट नहीं भरता, समझे? आपको इतना क्रोध कैसे आ रहा है? बात क्या है, बताओ तो सही। घर में एक वक्त का भोजन नहीं है, पेट भजन से नहीं भोजन से भरता है, समझे? सुनो सुनो सुनो, आज धन्ना सेठ के यहाँ निमंत्रण है। कोई भी ग्रामवासी अपने घर भोजन नहीं बनाएं। सुनो सुनो सुनो, आज धन्ना सेठ के यहाँ निमंत्रण है। कोई भी ग्रामवासी अपने घर भोजन नहीं बनाएं। ऐसा करो भाग्यवान, आज का भोजन तो हम सेठ जी के यहाँ कर लेंगे और कल से भिक्षा मांग कर ले आऊंगा। अब आप ऐसा करो, जाओ। अगले दिन सुबह होती है, ब्राह्मण फिर वही पेड़ के नीचे भजन करने बैठ जाता है। आपका रोज रोज का नाटक मेरे से नहीं देखा जाता। आप पहले अपनी गृहस्थी तो संभाल लो। जब आपको भजन का इतना ही भूत सवार था, तो मुझे शादी करके क्यों घर लाए? अरे भाग्यवान, गुस्सा विनाश की निशानी है। क्यों व्यर्थ में क्रोध कर रही हो? सब इंतजाम हो जाएगा, भोजन का भी। आपने सुदामा और उसकी पत्नी सुशीला की कहानी नहीं सुनी? गरीबी को कैसे हंसकर काट दिया था। हाँ, आप ही तो हो सुदामा, तुम्हें ही मिलेगा त्रिलोकी का राज। आपसे दो वक्त की रोटी का तो इंतजाम होता नहीं, बात करते हो सुदामा सुदामा। भाग्यवान, दुखी मत हो, मैं सवेरे सवेरे चला जाऊंगा। जो घर में रूखा सूखा है, आज उसी से पेट भर लो। ब्राह्मण की पत्नी ताने मार कर चली जाती है। अगले दिन सुबह होती है, पत्नी के रोज रोज अपमान से तंग आकर ब्राह्मण ने अपने पोथी पत्रा लिए और पास ही के गांव की ओर चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण घने जंगल में पहुंच गया, जहां उसको अंधेरा हो गया। आज मुझे इसी वृक्ष के नीचे अपना आसन जमा लेना चाहिए। ब्राह्मण ने आसन जमा लिया और प्रभु का नाम जपने लगा। अगले दिन ब्राह्मण उठा और पास ही नदी में स्नान करके अगले गांव की ओर चल दिया। कुछ देर बाद गांव पहुंच गया। उस गांव के लोग नास्तिक थे। अरे कौन है, क्या बात है? भिक्षाम देही माँ। यहाँ कोई भिक्षा विक्षा नहीं है, आ जाते हो सुबह सुबह वक्त खराब करने। क्या बात है, क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? देवी, मैं कथा कहता हूँ, मेरी कथा सुन लो। हमें नहीं सुननी तुम्हारी कथा वथा, जाओ कहीं दूर, आ जाते हैं मांगने, मेहनत करके नहीं खाया जाता। ब्राह्मण दुखी होकर लौट जाता है, लेकिन उसको कहीं भिक्षा नहीं मिलती। ब्राह्मण परेशान होकर वापस उसी जंगल में आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जहां वह रात को रुका था। ब्राह्मण जिस पेड़ के नीचे बैठा था, उस पेड़ की जड़ के नीचे विशाल सर्प रहता था। आज तो मेरी कथा किसी ने नहीं सुनी, इसलिए आज की कथा इस पीपल के पेड़ को ही सुना देता हूँ। ब्राह्मण अपनी कथा सुनाने लगा। जैसे ही ब्राह्मण ने कथा समाप्त की, उसी समय पेड़ के नीचे बिल में से काला नाग निकला और ब्राह्मण को एक सोने की असरपी देकर बोला, ब्राह्मण देवता, तुम रोज आ
आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें सोने की एक असरपी दिया करूंगा। ठीक है नागराज, मैं आपको रोजाना कथा सुनाने आ जाया करूंगा। लेकिन ब्राह्मण देव, एक बात याद रखना, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अब तो ब्राह्मण का रोज का नियम बन गया, वे रोज सुबह उठता और अपना पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता और नाग को कथा सुनाता। कथा समाप्त होने पर नाग बिल से बाहर आता और ब्राह्मण को एक सोने की असरपी दान देता। देखते देखते ब्राह्मण खूब धनवान हो गया। ये देखकर गांव के लोगों में चर्चा होने लगी। अरे भाई हरिया, विद्याधर पंडित बहुत धनवान हो गया है। पंडित के पास इतना धन कहां से आया है? जरूर यह कोई ना कोई गलत काम करता है। आप सारा दिन इधर उधर डोलते हो, आपने विद्याधर पंडित को नहीं देखा? कुछ ही दिनों में कितना धनवान हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है विद्याधर पंडित कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण की पत्नी तो मेरी सहेली है, मैं जाकर पूछूंगी वे क्या काम करता है। यदि सही काम करता होगा तो आप भी चले जाना उसके साथ, हम भी कुछ ही दिन में उसी की तरह धनवान हो जाएंगे। अगले दिन रामू की पत्नी ब्राह्मणी के घर जाती है। बहन, चुनिया के पापा सारा दिन घर पर रहता है, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। आप कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गए हो, उनसे कहकर चुनिया के पापा को भी अपने साथ ले जाया करेगा। आप कह दोगे तो हमारे भी दिन आपकी तरह बदल जाएंगे बहन। ठीक है बहन, मैं आज उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगी। क्या करते हो आप? शाम को जब ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मणी ने उससे पूछा, आपको ये धन कहां से मिलता है? तुम्हें इस बात से क्या मतलब? आपको धन चाहिए ना, वो आपको मिल रहा है। इतना कहकर ब्राह्मण ने उसकी बात को टाल दिया। ब्राह्मण की पत्नी को इतनी बात सुनकर और ज्यादा संदेह हो गया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी उससे लड़ने लगी। उसने ब्राह्मण को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राह्मण ने नाग की सारी बात ब्राह्मणी को बता दी और ब्राह्मणी के मन में लालच जाग गया। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिला दी और अपने बेटे से बोली, बेटा उस पीपल के पेड़ पर जाओ और उस नाग को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले आओ। सारे सोने की असरपी एक साथ आ जाएंगी तो हम बहुत धनवान हो जाएंगे। ब्राह्मण का बेटा पोथी पत्रा लेकर गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वो नाग बाहर आया और उसको सोने की असरपी देने लगा। तभी लड़के ने कुल्हाड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। नाग ने पलट कर लड़के को डस लिया और लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा उसका पोथी पत्रा गायब है। उसकी समझ में आ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। ब्राह्मण जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया। उसने देखा कि वहां उसका लड़का मरा पड़ा है। ब्राह्मण को देखकर नाग बिल से बाहर आ गया और बोला, मैंने तुमको बोला था सोने की असरपी की बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे क्षमा कर दो नागराज। तुम्हें पुत्र की मौत का दुख है ना, तो मुझे मेरी पूंछ कटने का उतना ही दुख है जितना तुम्हें अपनी पुत्र की मौत का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरी वजह से बनी है वो सब खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण दुखी होकर बेटे की लाश को लेकर घर आ गया। तुम्हारी लालच की वजह से हमने इकलौता पुत्र गंवा दिया और हमारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। दोस्तों, लालच एक दलदल है जो व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है।